पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के इस विराट सत्र का शुभारंभ बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के सहार प्रखंड के धनचुहा गांव के पवित्र प्रांगण में धरती माँ की गोद में बैठ करके, चारों तरफ वातावरण शुद्ध है, चारों तरफ खेतों में धान लगा हुआ है, गौ माँ का हम दर्शन कर रहे हैं, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, चारों तरफ तुलसी का, सदाबहार का, यानी चारों तरफ औषधीय पौधों का एक बहुत बड़ा आवरण खड़ा है। ऐसे पवित्र वातावरण में हम सब योगाभ्यास कर रहे हैं। आप सबका जीवन पवित्र हो, आप सभी निरोगी हो। तो आइए, आपको मैं योग प्रचारक डॉक्टर ब्रिज महान आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपको मैं अनुलोम विलोम का आज अभ्यास करवाऊंगा। क्या चीज का? अनुलोम विलोम। हाँ, बोलिए जोर से, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, नाम भी याद रहना पड़ेगा। अब आते हैं, आपको इसकी विधि बताते हैं, थोड़ा नजदीक आ जाए। ये तो ध्यान मुद्रा लगा रहेगा, बायां हथेली आपका रहेगा घुटने पर, बाएं, दाहिने हाथ को उठाते हैं थोड़ा। अब तर्जनी को मोड़ लेते हैं, ये वाला ऐसे मोड़ लिया, ऐसे कर लिया। अब दाहिना अंगूठा को दाहिने नासिका पे रखते हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, दाहिना हाथ प्रयोग करिएगा आप लोग सभी। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भर रहे हैं, 5 सेकंड तक भरेंगे। जब भर जाए तो अनामिका और मध्यमा से इसको बंद कर लेंगे और दाहिना अंगूठा को हटा करके दाहिने नासिका से सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। फिर दाहिने नासिका से सांस को भरेंगे, फिर दाहिना अंगूठा से बंद कर लिया दाहिना नाक और बाएं नासिका से फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। यानी जिससे छोड़ेंगे पुनः उसी से भर लेंगे। तो आइए, ये तो समझ गए ना कैसे करना है। अब बाएं से लीजिए, फिर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिना से लीजिए और बाएं से छोड़िए। अब इसका अभ्यास करते हैं, आंख बंद कर लीजिए। अब घुमाना चलो, आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड सीधा, बहुत पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ आप अपने आराध्य इष्ट प्राण का ध्यान करिए कि हे प्राण देवता, जन्म के बाद आज हम सब पहली बार आपकी आराधना कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं। जबकि तुम यानी सांस 24 घंटा हमारा ख्याल करता है, जब सो भी जाए, बेहोश भी हो जाते हैं तो प्राण चलता रहता है। और हम ऐसे मूर्ख हैं, नादान हैं कि कभी प्राण के तरफ देखा भी नहीं मुड़के कि प्राण है क्या, प्राण से लाभ क्या मिलता है हमें। तो आइए, आज हम सब प्राणों का आयाम यानी प्राण का कैसे आयाम दें, प्राणों से हमें क्या लाभ मिले। लंबा गहरा सांस धीरे धीरे भरेंगे। आप अभी मोह माया की आसक्तियों से ऊपर उठते हुए आप केवल ध्यानात्मक भाव में इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का हम एक निमित्त हो रहे हैं। हे प्रभु, मेरा जीवन शुद्ध हो रहा है, मेरा जीवन पवित्र हो रहा है, हम सब भगवान की तरह यानी परमात्मा जैसा मेरा जीवन हो रहा है, राम कृष्ण हमारे आदर्श महापुरुष हैं, उनके जैसा मेरा जीवन हो जाए। सूरज अपने को तपा करके, खपा करके भी पूरे संसार को अलोकित कर रहा है, वैसे मेरा जीवन। कैमरा सीधा, कैमरा सीधा, कैमरा को सीधा ना देंगे तो खराब है। इसका फुल चेहरा है करके, धीरे धीरे सांस भरी, क्रम से करिएगा। लंबा गहरा सांस, पूरा सांस भरिए, पूरे हृदय को सांस से भर दीजिए हवाओं से। जब सांस भरेंगे आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है और ऑक्सीजन के माध्यम से 72,72,00,000 10,210 नाड़ियों से बना शरीर शुद्ध हो रहा है, यानी नाड़ी शोधन की क्रिया भी कहते हैं इसको। जब अनुलोम विलोम की क्रिया करेंगे तो हमें खून संबंधी समस्याएं दूर होंगी,
मस्तिष्क संबंधी समस्याएं नहीं, जो क्रोध करते हैं, तनाव करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, हमेशा गलत गलत सोचते हैं, हमेशा गलत गलत विचार आता है मन में और एक दूसरे के प्रति हमेशा नकारात्मक भाव पैदा होता है, तो केवल और केवल अनुलोम विलोम के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। यदि किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो आप उसको अनुलोम विलोम के माध्यम से एक दिन से लेकर के 5 दिन में नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल समान हो जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण दवा, मिर्गी के लिए, पागलपन के लिए, अनिद्रा के लिए, ये कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को भी दूर करता है अनुलोम विलोम। माँ बहनों के अंदर लिकोरिया की समस्या हो, रक्त पदर श्वेत पदर की समस्या हो, बांझपन की समस्या हो, भाइयों में सब दोषों लेकर के धातुशीलता और नपुंसकता जैसे बीमारियों को दूर करने की ताकत है केवल कपालभाति में और अनुलोम विलोम अभ्यासों में। लंबा गहरा सांस भरते जाइए और अपने सांसों पर ध्यान टिकाते जाइए। मन का आंगन ना बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम सांस रूपी झाड़ू से अपने आत्मा, अपने शरीर रूपी हृदय, अपने सारे शरीर के नस नाड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, बाहर रहे हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं और हमारे अंदर जो परमात्मा यानी उस परम पिता परमेश्वर का जो निवास स्थान है वह वास्तव में उज्ज्वलित हो सके। जैसे हम मंदिर बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति रखते हैं और उसमें रोज ले जाकर के कचरा डाल दीजिए घर का बुहारन, तो वो मंदिर है, मूर्ति भी है, कचरा केवल डालने से वो मंदिर मंदिर नहीं रहा। यानी मंदिर तभी तक अपने अस्तित्व में है जब तक वहाँ सफाई है, तो हमारा शरीर भी तभी तक शरीर मानव का कह सकते हैं जब तक इसके अंदर इंसानियत है, प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार का भाव भरा हुआ है तो हम मानव कहलाते हैं। हमारे अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार राग द्वेष जीत हार मान अपमान जैसे द्वंद्वों का भाव भरने लगता है तो हम मानव से दानव की तरफ बढ़ने लगते हैं। लंबा गहरा सांस भरिए और प्रार्थना करिए परमपिता परमेश्वर से, प्राण से कि हे प्राण देवता, जब तुम बाहर निकलते हो तो मेरे भीतर के सारे कचरे को विकार को विकारों को बाहर लेते जाओ, जब मेरे अंदर प्रविष्ट होते हो तो दुनिया का उससे सुख शांति समृद्धि सब अंदर ले आओ। यानी गलत चीज बाहर निकलना और बढ़िया चीज अंदर जाना। सांस प्रश्वास की क्रियाएं करते रहिए। अभी बायां नासिका को हम लोग चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिना नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं, बायां नासिका को इड़ा, दाहिना को पिंगला। यानी इड़ा पिंगला के माध्यम से जब सांस प्रश्वास की क्रियाएं निरंतर करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रतिष्ठित होने लगता है, प्रवेश करने लगता है, तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगता है। यानी अष्ट चक्रों का भी हम भेदन करते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक हमारी जागृति होने लगती है। करते रहिए अभ्यास और जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे आपके अंदर बदलाव शुरू जब होगा तो आपके विचार में, आपके वाणी में, आपके कर्म में, आपके खान पान में, आपके उठने बैठने के सारे छोटे छोटे अभ्यासों में परिवर्तन दिखाई देना पड़े शुरू हो जाएगा। और जिस दिन माँ बहन को देखते हैं, किसी भी माँ बहन को, उसमें अपनी माँ और बहन की छवि दिखाई पड़े तो समझिए कि योग का असर या अनुलोम विलोम प्राणायाम का असर आपके जीवन पे शुरू हो गया है। ऐसा अभ्यास नियमित करेंगे, करते रहिए।